हाय दोस्तों, आज मेरे छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा अपने घर के आसपास, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए दिखाते हैं। देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू है, इतना हरा भरा है। ये मेरा गांव है। घर के पीछे का व्यू है, कितना हरा भरा है पूरा टोटली। मेरा घर थोड़ा सा गांव से बाहर है। देखिए मैं अपने घर के सामने का व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मैं अब घर से बाहर आ गया हूँ, आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। एक ऐसा फल है कि आप लोग जो मेरे भाई गांव से हैं वो फल को पहचान जाएंगे, नहीं तो देखते हैं कौन कौन इसका नाम बता पाते हैं। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, बचपन में हम लोग इसे बहुत जिसे खाते होते थे। देखिए दिखा रहे हैं आपको उस फल कौन सा है इसका। आप लोग बताइएगा कौन सा है फल है, इसको क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा था। ठीक है भाई, मैं अपने घर से बाहर आ चुका हूँ। देखिए मेरे घर के पास में ही ट्रेन की पटरी भी है, ट्रेन जा रही है इस समय। चलिए इस समय आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, धान की खेती है इस समय हम लोगों के गांव की साइड। यहाँ पे अभी धान धीमे धीमे फूट रहा है इस समय। बाल आ चुकी है, इस समय बहुत हरा भरा रहता है गांव में क्योंकि बारिश हुई है इस समय। देखिए पूरा पानी भरा हुआ है खेत में। अब इस साइड से आप लोगों को दिखाते हैं अपने गांव का पूरा। इधर मेरा घर है, इधर इस साइड पूरा गांव लोगों का बसे हुए हैं। चलिए और आप लोगों को लेकर चलते हैं अपने खेत की साइड और दिखाते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, कैसे पानी चला जाता है खेत में। अपने खेत पहुंच चुका है, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे पानी चलाया जाता था। यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से पानी नहीं चला है, टंका है। यहाँ मोटर से पानी चलता है, इसमें आता है फिर यहाँ से गिरता है, फिर नालियों से भर जाता है। चलिए क्या होता है, यहाँ पे पूरा मोटर अंदर डूब चुका है, पानी भर गया है, बारिश का मौसम है ना इसी कारण इस पानी में चलता है। आप लोगों को अमरूद का पेड़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे फरा भी है मेरा अमरूद, देखिए फरा हुआ है, अमरूद फरा हुआ है, दो तीन पेड़ हैं। पूरा खेत में पानी लगा हुआ है, देखिए बारिश का पानी लगा हुआ है इधर पूरा। इधर गन्ना बोया गया था, अब हम लोग यहाँ बहुत कम गन्ना बोया जाता है इसलिए कोई करता भी नहीं है उतना। देखिए बस चूने उने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया गया है, यहाँ पे गन्ना है। और आप लोगों को मैं आप लोगों को एक बहुत खास पेड़ दिखाऊंगा जो आप लोग नहीं देखे होंगे। ये मेहंदी का पेड़ है जो हम लोग के घर में माताएँ बहने पहले हाथ पे पीस कर रखा करते थे, इसी से डिजाइन बनाए, अब तो कल डिजाइन। और चलिए अब चलते हैं हम अपने घर और आप लोगों को एक पेड़ दिखा रहे हैं जिसे आप लोग कहते हैं ताड़ का पेड़, जैसे उस पर से ताड़ी उतरती है। देखिए यही ताड़ का पेड़ है जिस पे ताड़ी उतरती है। आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव की चीज़ें दिखाने की कोशिश किया हूँ, आप लोग को पसंद आया होगा ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, सूरन की खेती हुई है यहाँ पे भी, देख लीजिए। पूरा सूरन लगा हुआ है, अब ये दिवाली के करीब खाना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय। और भाई जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। हाय फ्रेंड्स।